दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार की दोपहर देहरादून पहुंचेंगी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। बता दें कि दिल्ली से विशेष विमान से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सीधे ऋषिकेश जाएंगी। वहां से शाम 4:30 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगी। बता दें कि एम्स का 4वां दीक्षांत समारोह आज होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाओं के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट एक सप्ताह में 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजाएं बुक की हैं, जिसमें से 4,735 श्रद्धालुओं ने श्री बद्रीनाथ धाम और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पूजाएं बुक कराई हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम के लिए 82,58,920 रुपये और केदारनाथ धाम के लिए 37,44,805 रुपये ऑनलाइन पूजाओं की बुकिंग हुई है। उत्तराखंड में विगत 19 अप्रैल को संपन्न लोकसभा चुनाव के तहत टिहरी लोकसभा क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा व्यवस्था तथा मतगणना स्थल का कांग्रेस नेताओं ने जायजा लिया। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका एवं सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून से मतगणना से संबंधित जानकारी साझा की और अपेक्षा की कि लोकतंत्र की पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहे। पौड़ी जिले के सिविल वन क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। इसी क्रम में डायट चाड़ी गांव के पास सिविल वन क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें आग एक स्कूल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। आग की सूचना वन विभाग को दी गई। DFO सिविल प्रदीप कुमार धौलखंड ने बताया कि मौके पर वन विभाग के स्टाफ को भेजा गया है। वहीं DFO की ओर से वन संपदा को आग लगाकर नुकसान पहुंचाने वाले अरारक तत्वों की सूचना वन विभाग तक पहुंचाने की आम जनता से अपील भी की, ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। जगह की बात, वहां की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहां पे स्टाफ मौके पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। उस भी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी जो अधीनस्थ स्टाफ है सभी को उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब है वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है वहाँ पर स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिजली विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को भी निर्देशित किया गया है। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस हैं वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर यशवंत कठोच को पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर यशवंत कठोच को भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व शोध के कार्यों के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर यशवंत कठोच पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। यशवंत कठोच उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। यशवंत कठोच ने कई साल तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने कई शोध कार्य किए। पुरातत्व के क्षेत्र में यशवंत कठोच को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।